हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आओगी नहीं बिटिया? आएंगे, इनके ऑफिस की छुट्टी होगी ना तो मैं इनको बोलूंगी, फिर हम दोनों साथ में आएंगे। किससे बातें हो रही है? माँ है। कहीं तुम अपनी माँ से मेरे परिवार की शिकायत तो नहीं कर रही हो? नहीं नहीं, मैं बस हालचाल ले रही थी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, माँ को प्रणाम बोलूंगा। हाँ बोल दूंगी। माँ ये आपको नमस्ते कह रहे थे। गुड नाइट। तुम साड़ी में ही सो रही हो? मैंने तुम्हारे लिए टी शर्ट और लोअर लाया ना। नहीं वो मुझे लोअर टी शर्ट थोड़ा अजीब लगता है, मैं साड़ी में ही ठीक हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप अपनी मैरिज लाइफ में खुश हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ लगा है क्या? कुछ नहीं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे क्या बनाया नाश्ते में? मैंने आपके लिए पोहा और चाय बनाया है। अच्छा ठीक है, मैं नहाकर आता हूँ। ठीक है। ये शर्ट तो मैंने नहीं निकाल के रखी। चलो बीवी जी, लाओ मेरा टिफिन दो। बाय। कुछ भी हो मुझे कॉल कर लेना। अच्छे लग रहे हो आप। बाय। अगर आप भी अपने पति से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू जरूर लिखें। वो कहीं मेरी क्रीम ना भूल जाए। अब तो मेरे पास फोन है, मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हेलो, मैं दीक्षा बोल रही हूँ। कौन दीक्षा? आपकी वाइफ। सॉरी मैडम, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप मजाक कर रहे हैं? हाँ, मैंने आपका नंबर पहले से ही अपने फोन में वाइफ के नाम से सेव कर लिया था। अच्छा, मैं आपको ये याद दिलाने के लिए कॉल की थी कि प्लीज मेरा क्रीम मत भूलना, याद से ले आना। अरे मुझे पहले से ही याद है। अच्छा ठीक है, बाय। अच्छा सुनो, पानी पूरी खाओगी? हाँ। फास्ट तो नहीं है ना? नहीं, आज किस चीज का फास्ट? अब क्या पता, इतना अच्छा पति मिला है, तुम साल में 3 बार करवा चौथ मनाओ। ठीक है, बाय, रखती हूँ। अपने पार्टनर के लिए कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर टाइप करें और चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। अरे दीक्षा सुनो, इतनी देर से मम्मी बुला रही है, सुबह के 10 बज चुके और तुम अभी तक सो रही हो, आज क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत नहीं ठीक लग रही है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है और पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो। जी। अरे सुनो, तुम्हारा कुछ खाने का मन नहीं करता है? देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें लेकर आया हूँ, ये लो आइसक्रीम खाओ, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। और ये हॉट वाटर बॉटल है, इसको अपने पेट पे रख के सो जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच। अजी सुनती हो, ये लो कॉफी पी लो। वो क्या है ना, मुझे बहुत सारे काम है, वरना सासू माँ ताने मारने लगेगी। आप फिर से मजाक कर रहे हैं? कॉफी के लिए थैंक यू, मुझे तो पता ही नहीं था कि अरेंज मैरिज में भी इतना प्यार हो सकता है। तुम किचन में काम क्यों कर रही हो? वो काम वाली नहीं आई ना आज, और किचन इतना गंदा पड़ा है तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम 3 दिन भी ठीक से आराम नहीं कर सकती? बस किचन साफ कर रही थी, खाना तो ऐसे भी माँ जी ने बना दिया था। देखो ससुराल में मौका ना बहुत कम मिलता है, तो जब जब मिले ना आराम कर लिया करो। नहीं मैं बस ये बर्तन धो के चली जाऊंगी। नहीं तुम जाओ रूम में आराम करो, मैं सिमरन को भेजता हूँ, बर्तन सिमरन कर लेगी। ठीक है। सिमरन बेटा। हाँ भैया। तेरी भाभी की तबीयत खराब है, तो जाकर बर्तन तू धो लेना, आज वैसे ही काम वाली नहीं आई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा भाई किसी से इतना प्यार कर सकता है। भाभी कितनी लकी है ना, आप कितना प्यार करते हो उन्हें, इतना अच्छा पति मिल गया उन्हें, वो भी अरेंज मैरिज में। पागल कुछ भी बोलती है। ठीक है आप जाइए, मैं बर्तन धो दूंगी।